खबर रूस से है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के साल भर पूरा होने पर अपने देशवासियों को संबोधित किया। मॉस्को के गेस्टिनी डावर हॉल में उनके संबोधन को सुनने के लिए कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर रूसी संसद के कई सदस्य भी मौजूद रहे। ये वक्त उनके देश के लिए जटिल और चुनौतीपूर्ण है और इस दौरान ये दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐतिहासिक घटनाएं उनके देश का भविष्य तय करेंगी और हम सभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से बंधे हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला स्पेशल ऑपरेशन है। रूस लगातार नाजी खतरों से जूझ रहा था। यूक्रेन की सरकार भी रूस के प्रति घृणा और खतरे को लगातार बढ़ावा दे रही थी। यूक्रेन इंतजार कर रहा था कि रूस आए और उसकी मदद करे।